Hey guys, welcome back. मेरा नाम है अमन 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 अमन. So guys, finally हम लोग है ना गांव से है ना अहमदाबाद जाने के लिए ना निकल चुके हैं और आधे रास्ते जो है हमने ना पार कर लिया है. अब थोड़ा सा ही मतलब 900 किलोमीटर जो है वो बाकी है. अभी आई थिंक हम लोग है ना कोटा में है और यहाँ पे ना मतलब हाईवे पे है ना हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पे ना एक भी ना हमको ढाबा मिल रहा है, मतलब चाय पीने का भी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है. देखते हैं कोई अच्छा सा होटल मिलेगा ना तो वहाँ पे है ना हम लोग है ना रह कर है ना अच्छे से खाना खाएंगे और चाय पियेंगे. अगर चाय नहीं पीऊंगा ना गाइज मेरा पूरा का पूरा दिन जो है ना वो खराब ही जाएगा. इसलिए मैं खोज रहा हूँ कि जल्द से जल्द है ना मुझे कोई ढाबा अच्छा सा मिले जहाँ पर है ना मैं चाय पीऊँ, बिकॉज चाय इज माई लाइफ. चाय हो ना तो मेरा मतलब दिन जो है वो अच्छा ही जाता है. और गाइस यहाँ पे है ना पायल खुशबू को पता नहीं क्या मिला है ना, वो है ना तोड़ने के लिए ना लग चुके हैं, सारे के सारे लगे हुए. पायल खुशबू मम्मी मतलब पता नहीं क्या ही तोड़ रहे हैं. वहां पे जाकर मैं देखता हूँ वो लोग क्या तोड़ रहे हैं. अभी मतलब मैं सो रहा था, अभी मैं उठा और अभी है ना ब्लॉग स्टार्ट किया. अब मैं है ना उनके पास जाता हूँ. तोड़ रहे हो पायल खुशबू? बोर ये बोर कहते हैं इसे. देखना कुछ और ही मत तोड़ के खा लेना, यहाँ पे ना हॉस्पिटल है ना कुछ भी है. अरे भैया ये बोर है, सारे आगे भी है ना कितने लोग तोड़ रहे थे. हाँ हाँ हमने पूछा कि आप क्या तोड़ रहे, तो उन्होंने बोला कि हम बोर तोड़ रहे हैं. तो मम्मी अरे हाँ ये तो बोर है, तो मम्मी भी तोड़ रही है. अरे इसमें तो ना कांटे भी है. हाँ, इसीलिए संभाल संभाल के काम करना पड़ता है. गाइस आप लोग प्लीज कमेंट करके बताओ ये बोर है ना प्लीज, वरना ये लोग तो कुछ भी खा लेते हैं गाइस. अरे यार मम्मी को पता है कि बोर है क्योंकि मम्मी गाँव में रही है, उसको पता है. सही बात है, मम्मी के चेहरे पे स्माइल देखो. वाह मम्मी वाह वाह वाह, ये कितना खुश हो गई है. कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो बोर खा रही है तोड़ के, वो भी है ना फ्री का. यहाँ पे इतने सारे बोर के है ना पौधे हैं. एक बात बताओ, अरे यार देखो क्या हुआ, लग गई. बता देख इधर ये. हाँ इधर तो तेरे को कट गया, सावधानी से तोड़ना चाहिए ना. अरे देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं. और ये मुझे पता है कि ये ना बहुत ही मीठे होंगे, मैं आपको खा के बताती हूँ. ऐसे खाते हैं. अबे अब यहाँ पे हमारी गाड़ी के पास है ना इतना सारा मतलब फ्री का बोर था, यहाँ से तोड़ो पायल खुशबू. ये कच्चे हैं, दिख नहीं रहा, कुछ कुछ ही है पक्के. तो तोड़ ले जितने पक्के उतने तो तोड़. वे नहीं वो अंदर अंदर है, हाथ में झूठ मूठ का कांटा लग जाएगा. कांटा लगा, डर नहीं लगता आपको? देखो देखो है ना, इसको जितनी फ्री की चीज मिलेगी ना मेरी माँ को वो तोड़ने में ना बहुत ही मजा आएगा. इसके घर से कोई तोड़ेगा ना तो फिर नहीं मजा आएगा. किसी और का तोड़ रही हो आप? ये किसी का नहीं तोड़ रही. हाँ ये किसी का घर नहीं है, ये तो रस्ते ऊपर उगा है, हम तोड़ रहे हैं. रस्ते ऊपर उगा है तोड़ रहे हैं. बता कितना तोड़ ली? उधर रखा है. देखो गाइस इतना सारा तोड़ ली है. एक काम करो, क्या सारा का सारा तोड़ लो और 20-20 रुपया किलो बेचेंगे. कुछ भी यार भैया, पूरा तोड़ेंगे ना तो पूरा रात क्या, पूरा 2-3, 4-4, 5-5 दिन चले जाएंगे. पापा जो है यहाँ पे है ना मस्त सा है ना आराम कर रहे. बिचारे है ना कितना ड्राइव किए, 900 किलोमीटर जो है वो कल जो है वो ड्राइव की है, अभी 900 किलोमीटर ना अभी और ड्राइव करना है. बेचारे जो है वो थक चुके हैं. काश मुझे ना ड्राइविंग करना आता कार तो मैं ना उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाता. अगर मैं सीख भी लूंगा ना तो उनको मेरे ऊपर भरोसा रहेगा ही नहीं कि मेरा बेटा है ना अच्छे से चला ही नहीं सकता. वहां से तोड़ा आधा, यहाँ से तोड़ा है ना वहां से तोड़ रहे हैं, और तोड़ते तोड़ते ना वहां तक पहुंच जाएंगे क्योंकि इनको है ना फ्री की चीजें बहुत ही अच्छी लगती है. जहाँ पे फ्री की चीजें मिलती है ना वहाँ पे मेरी बहन और मेरी माँ दौड़ दौड़ के ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता. एक बात बताओ, ये फर्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया है ऐसे बोर रास्ते पे से तोड़ने का. यहाँ पे बोर ना तोड़ा है. हाँ. फ्री की चीजें मिलती है तुम लोग भाग के नहीं लेने जाते? फ्री की चीजें नहीं होती, कुछ तो परसेंट पैसे देते है ना, बात तो नहीं. अगर गाइस 2 साबुन के ऊपर 1 डब्बा मिलेगा ना तो मेरी माँ है ना 10 साबुन लेके आएगी क्योंकि 5 डब्बा मिलेगा. ये नहीं देखेगी कि उस चीज की जरूरत है या नहीं है. गाइस एक जगह और हमको है ना नहाने की है ना बंदोबस्त मिल जाता ना तो है ना हम पक्का ना वहाँ पे नहा लेते, क्योंकि है ना 2 दिन से नहीं कल ही तो नहाया था ना, कल ही नहाया था, फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि हमने नहाया ही नहीं. पता है नहीं नहाते ना तो अजीब सा मन हो जाता है ना. हाँ. जब बाहर होते हैं, घर पे रहते तो ना नहाओ नहाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता. पर तो भी मैं रोज नहाती हूँ, इसको मतलब 2-2-3-3 गैप हो जाता है. आप रे यहाँ पे तो बोर के खजाने हैं गाइस, देखो अंदर अंदर तक है ना जमा हुआ है. किसी का हाथ मतलब अच्छा सा लंबा सा होता ना तो जाके ना तोड़ लेते, लेकिन हम डालने जाएंगे ना तो कांटे ही गड़ जाएंगे, इसलिए मैं ना हाथ अंदर नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ी सी इनकी हेल्प कर देता ये बोर तोड़ने में. देखो ये लोग कहाँ तक पहुँच गए, बोला ना ये हर एक पौधे में से तोड़ेंगे ये जितने पके पके बोर होंगे. तो पायल ना बहुत ही ज्यादा है ना इरिटेट हो रही है, जब भी पापा सोते ना तो पायल है ना बहुत ही ज्यादा इरिटेट होती है क्योंकि ना उसको ना फटाफट से ना अहमदाबाद जाना है ना पायल. इरिटेशन की बात नहीं है, मतलब रात भर इंसान सो ही रहा है फिर भी दोपहर में भी सोते हैं, पता है कितना नींद भरा है पापा में. अरे तू इतना गाड़ी चलाएंगे ना
तब तुझे पता चलेगा कितना ड्राइव करने में ना मतलब मुश्किल ही होता है ना, वो है ना जो चलाता है ना उसको ही पता होता है। और मेरे पापा को तो बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। अरे भाई ड्राइव करना 900 किलोमीटर छोटी बात नहीं होती, वो भी अकेले एक दिन में, कितना मेहनत का काम है तुझे पता है। हाँ भाई बहुत पता है। भैया हाँ बोल। एक डेर दू? हाँ बोल। आपको जाना है और पापा को जगाना है। ये तो हमसे ना हो पाई, जगाने जाऊंगा ना तो थड़ थड़ पड़ेगी मुझे। ऐसे बजेगा, इससे अच्छा आराम कर लेने दे पायल, एक बार आराम कर लेंगे तो 4-5 घंटे ना आराम से ड्राइव करेंगे लगातार। अरे कुछ तो शर्म कर खुशबू, कुछ तो शर्म कर प्लीज। किसी को खाने लायक तो चोर खुद ही खा के मानेगी क्या? ज्यादा बोर बोर मत कर गाइस, बोर हो जाएंगे तेरे से। थोड़ी ही दूर है ना हम लोग, है ना आगे आए वहाँ से बोर तोड़ के, और देखो क्या हो गया। हमारी गाड़ी का जो है ना टायर जो है वो पंचर हो चुका है। वो तो अच्छी बात है, हमारे पास ना जो है एक है ना एक्स्ट्रा टायर है, और वो है ना लगाएंगे पंचर वाले टायर के जगह। वो तो अच्छा है, पप्पा जो है वो टायर जो है वो एक्स्ट्रा लेकर आते ताकि जो है हमारा मतलब समय बच गया। अगर नहीं होता तो क्या करते ये बीच रस्ते में। ये देखो गाइस हमारा जो टायर जो है वो पूरा का पूरा पंचर हो चुका है। पायल चाह रही है कि हम जल्द से जल्द है ना अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन एक पर एक ये सारी चीजें हो ही जा रही है। ये वाला तुलसी जी है ना, ये लोग है ना बिहार से लेकर आए हैं। यहाँ का जो टायर है ना वो देखो एकदम है ना अच्छा है। अब ये वाला टायर जो है ना हम वहाँ पे लगाएंगे वो पंचर वाले टायर की जगह, और पंचर वाला यहाँ पे फिट कर देंगे। खुशबू खुशबू एक लोटा दे दूं तुझे? नहीं नहीं नहीं। हाँ तो खड़ी हो, वैसे मत बैठ, कितना अजीब लग रहा है। खुशबू कितना अजीब लग रहा है, इतना सारा ईख जो है हमारी दादी जी ने ना हमको दे दिया है। दांत तो है नहीं चबाने के लिए, दांत इतने कमजोर हैं, ये ईख कैसे चबाएंगे। अब एक काम करेंगे, अहमदाबाद जाकर है ना इसका है ना रस बना लेंगे और फिर आराम से पियेंगे। वैसे भी है ना गन्ने का जूस है ना 10 रुपए का पहले मिलता था, अब है ना 20 रुपए का मिल रहा है। अब हमारे पास है ना इतना सारा है ना ईख है, अब इसका ही रस पियेंगे। हमेशा कहती हूँ कोई कहेगा कि ये 20 साल का हो गया है। इसको देखो मतलब ये क्या क्या हरकतें करता रहता है। बड़ा हो जा बड़ा हो जा भाई। इस फाइनली मेरी जगह खुशबू जो है वो पप्पा की है ना हेल्प कर रही है। अच्छा है पप्पा के साथ है ना ये कुछ कुछ चीजें जो है वो सीख रही है। अच्छा है पप्पा को है ना टायर चेंज करना जो है वो आता है, अगर नहीं करना आता होगा तो हम क्या करते ये बीच रस्ते में। वो तो अच्छा है पप्पा ना गाड़ी चलाते ना तो सब चीज है ना सीख लिए है, और एक एक्स्ट्रा टायर था तो हम लोग बच गए, वरना रात होने ही वाली है थोड़ी देर में। पायल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी है, क्योंकि इसको है ना जल्द से जल्द है ना अहमदाबाद जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है मतलब हमारी गाड़ी के साथ। इसकी वजह से ना हम लोग थोड़ा सा ना लेट चल रहे हैं, इसके क्लासेस जो है वो मिस हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये ना नाच रही है, इस खुशी में ये नाच रही है। गाइस 2 दिन की जिंदगी है, मजे से जियो, टेंशन क्यों लेने का है। 2 दिन की जिंदगी है, मजे से जियो। हाँ। फेल हो जाएंगे ना तब पता चलेगा। एक तो ये पढ़ती है वो अच्छी बात है ना हमारे में। हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, वो गंदी बात है, पढ़ अभी बुक्स लेके आई है, वो पढ़ सकती है, बिना सीखे हुए कैसे पढ़ सकते हैं लोग। हाँ तो तू रिवाइज करना। एक लड़की जो है वो कम पढ़ती है, और एक लड़की जो है वो हद से ज्यादा पढ़ती है, और मैं जो हूँ वो है ना मीडियम पढ़ता है। लोगों को है ना टेंशन हो रहा है मतलब पढ़ाई करने का, मतलब जल्द से जल्द अहमदाबाद जाने का। मुझे टेंशन हो रहा है कि कब मैं ना पेट्रोल पंप जाऊं, क्योंकि मेरे से अब सहा नहीं जा रहा, मुझे पेट्रोल पंप जाना है गाइस बहुत ही जल्दी। फटाफट से पापा टायर चेंज करे कि मैं फटाफट से कोई भी पेट्रोल पंप दिखे ना तो वहाँ पे जाऊँ। यही होता है जब भी हम ना कार से ट्रैवल करते हैं ना, एक तो है ना ये वॉशरूम यूज़ करने का ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सिर्फ पेट्रोल पंप पे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पप्पा अबे ना इसको ना जल्द से जल्द ना अहमदाबाद छोड़ दीजिए पप्पा। इसको है ना 2-3 बजे सुबह में पहुंचा देने वाला। हाँ 2-3 बजे सुबह में, ठीक है देख अब तो खुश हो जा। तो देखते हैं ना कितने अपने बात पे कायम रहते हैं। आप सोइए मत पप्पा, आप सो रहे हैं ना तो इसको ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। 2 घंटा चलाते 1 घंटा सोते, 2 घंटा चलाते 1 घंटा सोते, और रात को सोते ही है। अरे भाई मैं भी आदमी हूँ, थक जाता हूँ यार। सही बात है, वो कंटिन्यूस रोड पे देखते तो उनको नींद आती है, मैं भी देखूं तो मुझे भी नींद आएगी। तुझे तो हमेशा आता ही है नींद, तू रहने दे। मम्मी जल्द से जल्द बैठो, पेट्रोल पंप पे जाना है मम्मी। प्लीज। सो गाइस फाइनली पापा ने ना ये वाला टायर जो पंचर था वो चेंज कर दिया है, और जो टायर वाला पंचर है ना वो पापा ने इधर फिक्स कर रहे हैं। खुशबू हाँ, आप कभी आगे गैरेज आएगा ना हाँ, तो है ना मुझे ना बताना, ताकि है ना ये वाला जो टायर है ना जो पंचर है वो वाला बनवा देंगे। भगवान ना करे ना कुछ हो, अगर हो ना तो ये वाला टायर फिर से वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है ठीक है, वरना अगर बीच रस्ते में मतलब अगर कोई मतलब सुमसान रस्ते में मतलब टायर अगर फिर से पंचर हो गया तो फिर क्या करेंगे। हाँ सही बात है भैया तेरी, वो भी हमारी ये वाली
गाड़ी जो है वो मांड मांड चलती है, इसमें इतना खर्चा ना गाइस क्या ही बता दूं मैं आपको। कहीं जाना होता है तो पहले ना इसको रिपेयर करवाना पड़ता है। पनिया हमारे साथ ही है, ये तो ये हमारी गाड़ी दिल के करीब है, लेकिन ये हमको बहुत ही धोखा देती है हर एक जगह ना, हमको ना 4-5 घंटा बिगाड़ती है हर एक ट्रिप पे। फाइनली अब गाड़ी जो है वो चलने वाली है और किसी के चेहरे पे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। घर का काम एक भी नहीं करती है फटाफट, लेकिन पीछे से हमने ना टायर है ना निकालने के लिए ना सामान जो है वो आगे रखा था ना, देखो कितना फटाफट लेके जा रही है पप्पा के पास है ना, कि ताकि ना फटाफट से गाड़ी जो है ना वो चले और फटाफट से हमें ना अहमदाबाद पहुंच जाए। पायल हमारी अनमोल तुलसी मैया को भी रख दे यार, ये भूलना मत, ये नहीं खोलनी चाहिए हमारी तुलसी मैया जी, इसको है ना हम लोग है ना बिहार से लेकर आए हैं अहमदाबाद में लगाने के लिए। छुप के ना गाड़ी के पीछे चाय पी रहा है कि हम ना पीने लगे चाय, इसलिए है ना। हाँ, सही बात है। ऐसा नहीं करने का भैया, हमें बता देता हम भी पी लेते चाय। चाय मेरी लाइफ है। हाँ, ये ना सुबह शाम दोपहर सारे टाइम चाय पीता रहता है। अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग है ना खा पी कर है ना सो गए थे, और जैसे ही मेरी है ना नींद खुली मैंने क्या देखा, यहाँ पे ना बहुत जोर से है ना बारिश हो रही है। मतलब आप समझ सकते हो विंटर की सीजन में ना बारिश हो रही है। गाइस हम ये ट्रिप पे आए हैं ना कुछ है ना हमारे साथ हो ही रहा है। बिहार से जैसे निकले ना 900 किलोमीटर है ना हम चले ना, तो है ना हमारा जो है ना वो कार का टायर पंचर हो गया, और ऊपर से है ना शाम से लेकर है ना रात तक है ना हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला, फिर जाकर 8 बजे ना हमको कुछ खाने को मिला तो हमने है ना खाया है, और अभी देखो बारिश स्टार्ट हो गई। पायल को है ना फटाफट से है ना अहमदाबाद ना पहुंचना है, लेकिन है ना लगता नहीं है कि ये है ना जल्द से जल्द है ना अहमदाबाद पहुंचेगी। मुझे तो लगता है बहन कल शाम को ही तू है ना अहमदाबाद पहुंचेगी। नहीं कल शाम को तो नहीं, पर कल सुबह तक तो जरूरी पहुंच जाऊंगी। गाइस धीरे धीरे बारिश नहीं हो रही, एकदम जोर जोर से बारिश हो रही है। सो गाइस हम लोग ना पेट्रोल पंप पे है और ये देखो कितनी जोर से ना बारिश आ रही है, इतनी बारिश में कैसे कुछ दिखेगा अगर हम कार ड्राइव करेंगे तो। पायल लगता नहीं है तू है ना जल्द से जल्द है ना अहमदाबाद पहुंचेगी। मैं पहुंच जाऊंगी ठीक है, देख लेना मैं कल सुबह तक अहमदाबाद में होऊंगी। कैसे होगा, बारिश रुकेगा तभी ना हम पापा को जगाएंगे और वो ड्राइव करेंगे। वो रुक जाएगी बारिश, मैं कहूंगी बारिश जी प्लीज शांत हो जाइए। तेरे कहने से थोड़ी ना रुकेंगे। गाइस विंटर में बारिश हो रही है, अब तो मुझे ना मौसम पे कोई भी भरोसा नहीं है, कोई अभी भी कुछ भी हो सकता है। पायल सच सच बता, तुझे कार से ट्रैवल करने में अच्छा लगता है कि ट्रेन से? मुझे तो ट्रेन ही अच्छी लगती है। हाँ अगली बार आएंगे ना तो ट्रेन से आएंगे, पप्पा भले जितना भी बोले हम तो ट्रेन से ही आएंगे। फर्स्ट एसी में चलेंगे। हाँ फर्स्ट एसी में, हमारा गाइस है ना बहुत ही बड़ा है ना सपना है फर्स्ट एसी में ना ट्रैवल करने का, पता नहीं कब होगा। वो नहीं रूम जैसा होता है वैसे में, हम तो इस बार भी सोच रहे थे कि हम उसमें ही आए, लेकिन हो ही नहीं पाया बंदोबस्त, तो हमें ना कार लेकर ही आना पड़ा हमको। गाइस पहले तो जिस पेट्रोल पंप पे हम लोग थे ना उस पेट्रोल पंप पे ना लाइट भी चल रही थी, मतलब लाइट है ना चालू थी, बारिश हो रही थी तो भी, लेकिन अब तो वो भी बंद हो गई है, और रोड पे भी जो है ना वो नहीं होते लाइट्स वो सारी ऑफ हो गई है। बीच रास्ते पे गाड़ी रोक कर हम लोग मतलब है सो रहे हैं, बोलो इन मतलब क्या बोलूं गाइस, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, और इन लोग को देखो कितने आराम से सोए हैं। अरे यार कोई तो उठो मेरे साथ रहो यार प्लीज, सारे के सारे सो रहे हैं और ऊपर से वो पीछे पायल सो सो के ना हंस रही है, इतना डर लग रहा है ना। और ये पेट्रोल पंप पे जिस पेट्रोल पंप पे ना उस पेट्रोल पंप पे कोई है भी नहीं, कितनी सारी गाड़ियां जो है जिसको है ना डीजल और पेट्रोल चाहिए ना वो जा रही है, मतलब कोई है ही नहीं तो कैसे भरेंगे। गाइस बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, और मैं पापा को बोल रहा हूँ पापा इधर से चलिए चलिए चलिए, तो वो बोले नहीं सोने दे सोने दे सोने दे। देर में है ना हम लोग जो है वो अहमदाबाद जो है वो पहुंचने वाले हैं, सिर्फ जहाँ से हम लोग है ना वहाँ से ना 200 किलोमीटर की है ना दूरी है अहमदाबाद की, मतलब हमें ना लगभग है ना 1 बजे तक है ना अहमदाबाद जो है वो पहुंच जाएंगे। वैसे तो हम कल रात को ही पहुंच जाते हैं, लेकिन रात को हमने ना कुछ भी ड्राइव जो है वो नहीं किया है कार, क्योंकि है ना बहुत जोर से ना बारिश हो रही थी, वो है ना बारिश में ड्राइव करने का ना उस रोड पे ना बिल्कुल भी है ना सेफ नहीं था, इसलिए हमने ना समझदारी का काम किया है ना कार है ना बंद करके ना सो गए हम सब लोग, और सुबह की सुबह है ना 5 बजे उठे, और 5 बजे से ना लगातार कार जो है वो ड्राइव कर रहे हैं पापा मेरे,
और है ना मतलब 1 बजे तक मुझे पहुंचा देंगे अहमदाबाद। और गाइस मेरे से ज्यादा तो हैप्पी वो पायल है पीछे जो है बैठी हुई, क्योंकि ना उसका ट्यूशन जो है वो आज का मिस नहीं होगा, पता नहीं कितना पड़ेगी। अब ना गाइस डायरेक्टली मैं ना आपसे ना अहमदाबाद में है ना मिलूंगा, क्योंकि है ना मेरे फोन में है ना बिल्कुल भी है ना चार्जिंग नहीं है, सिर्फ 2% ही है ना चार्जिंग बचा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपको है ना अपडेट दे दूं हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। सो हम है ना फाइनली है ना पहुंचने वाले थोड़ी देर में अहमदाबाद में। इतनी खुशी 4 दिन से है ना इस कार में बैठे हुए एकदम धीरे धीरे चल रहे थे, आराम से मस्त नहा धो के गंगा जी में नहा रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, टायर पंचर हो रहा था। अब फाइनली पहुंचने वाले तो बहुत ही ज्यादा है ना खुशी हो रही है। सो गाइस फाइनली मैं जो हूँ अहमदाबाद आ चुका हूँ, और अहमदाबाद आए हुए ना हम लोग को है ना 15 दिन जो है वो हो चुके, लेकिन है ना 15 दिन से ना मतलब हमने ऑलमोस्ट है ना कुछ भी वीडियोस नहीं बनाई है, क्योंकि गाइस हमारी पढ़ाई जो है वो हम लोग है ना कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि है ना गाँव गए थे ना हम लोग तो है ना हमारी पढ़ाई थोड़ी सी जो है ना वो छूट गई थी, तो उसको ही है ना हम लोग कवर कर रहे थे। अब सब कुछ है ना हमारे ऑन ट्रैक पे आ चुका है हमारी स्टडीज, आप समझ सकते हो मैंने इतने दिन से वीडियो जो है वो बड़ी वाली क्यों नहीं डाली है, प्लीज माफ कर देना गाइस, माफ कर देना। और गाइस बहुत जल्दी हम लोग जो है वो कमबैक भी करने वाले हैं, आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो देखने को मिलेगी। और गाइस अभी हम लोग का है ना बर्थडे आने वाला है, मींस मेरा बर्थडे आने वाला है, खुशबू का बर्थडे आने वाला है, तो उसकी वीडियोस तो आपको जरूर देखने को मिलेगी। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय 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 बाय।